हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एल चिबड़े और आप देख रहे हैं सी क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि स्ट्रोम ZX का जो मॉडल है उसकी बारे में हमने ढेर सारी जानकारी ली है, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि आपको स्पोर्ट 63 स्कूटर का जो डिटेल है वो भी बताऊँगा। तो मैं इस वीडियो में आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको स्पोर्ट 63 वाला जो स्कूटर है चार्जिंग का उसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वो बाजू वाला बेल का आइकॉन बटन है उसको भी प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे डेली अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये है वो स्पोर्ट 63 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जिसके बारे में आज इस वीडियो में आप इसका रिव्यू देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके टायर से। तो दोस्तों, इसका टायर है जो है एक ट्यूबलेस टायर है जिससे कि इसको अच्छी तरह की सिक्योरिटी मिलती है, और इसका जो आप व्हील देख रहे हैं व्हील भी बहुत अच्छी तरह गुड लुकिंग डिज़ाइन है। इसका डिज़ाइन भी अच्छा है व्हील्स का, ब्रेक भी दिए हुए हैं, ब्रेक भी कुछ अच्छा है, और साथ ही साथ इसका जो शॉकअप है हाइड्रोलिक शॉकअप है बहुत ही मजबूत शॉकअप है ये, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से इसका शॉकअप है, टायर है, और ये जो इसका व्हील है देखिए दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको इसका जो आगे का हेडलाइट है, हेडलाइट और उसका जो आगे का मडगार्ड है वो भी बहुत गुड लुक है इसका, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है दिखने में भी। और इसका जो स्पेस है आगे का स्पेस भी बढ़िया है, और यहाँ पर आपको मैटिंग मिलती है डालने के लिए जो कि आपकी नीचे की जगह ख़राब ना हो। और आगे का जो ये स्पेस है इस पर हम बहुत कुछ सामान लोड करके ले जा सकते हैं, पीछे भी इसके स्पेस दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ ये जो एक बहुत ही मजबूत तरह का एक स्टील का बॉडी गार्ड है इसका, जिसके गाड़ी की बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है, अगर आपकी गाड़ी गिरती भी है तो इसकी वजह से इसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। साथ ही में इसको ये इस तरह का फुटवेयर भी दिया हुआ है। और बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो ये देखिए कुछ इस तरह का इसका डिस्प्ले है। देखिए अभी बैटरी इसकी 3% है, इसमें 4 बैटरी रहती है, 12 वोल्टेज की 4 बैटरी रहती है इसके अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा गियर दिखा दे रहा है, ये जो रेड वाला बटन है वो गियर मोड का बटन काम करता है। तो अभी ये पहले गियर पर है, फिर एक बार प्रेस करने के बाद वो दूसरे गियर पे जाता है, फिर से एक बार प्रेस करने के बाद वो तीसरे मोड गियर के ऊपर आ जाता है। तो इससे इसको स्पीड मिलती है गियर के हिसाब से, ये स्पीड कंट्रोलर गियर है, ठीक है। तो ये जो है आप लाइट है आगे के मेन लाइट सिटी लाइट, ठीक है, ये चालू बंद करने के बाद ये आपको आगे दिखाई देगा कि इस तरह का LED लाइट है इसको, बहुत ही बढ़िया LED लाइट है। फिर बात करते हैं इसके इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर भी बढ़िया है, राइट वाला इंडिकेटर है, अब ये लेफ्ट वाला इंडिकेटर। वैसे पिछले इंडिकेटर को देखते हैं कैसे है। तो देखिए ये कुछ इस तरह के हैं, लेफ्ट वाला लगा के देखते हैं, देखिए दोस्तों इंडिकेटर की क्वालिटी भी बहुत कुछ अच्छी तरह की ही है। तो देखेंगे इसके अंदर का जो डिक्की है पीछे वाली सीट के नीचे की, उसका भी अंदर का जो स्पेक्स है वो बहुत ही बढ़िया है। ये मेन स्विच आता है इसके साथ बैटरी का, जो कि MC भी बोलते हैं इसको। अगर मेन करंट सप्लाई आपको कट करना है तो इसको ऑफ़ कर दीजिए, करंट पूरा करंट सप्लाई बंद हो जाएगा।
ठीक है। तो अब इसको कर दिया मैंने ऑन, अब ये गाड़ी चालू है। इसके साथ भी आपको एक टूल किट आता है, इसमें कुछ इस तरह के टूल किट रहते हैं जो कि देख पा रहे हैं आप। ये बैटरी का वारंटी गारंटी कार्ड रहता है। तो दोस्तों इसके बाद है ये व्हील्स। इसके व्हील्स में जो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो मोटर है वो हब मोटर है और वो उसके पीछे वाले व्हील्स में फिट रहता है। तो इस मोटर की पावर रहती है 250 वाट की हब मोटर है ये, देखिए कुछ इस तरह की है। और ये पीछे के शॉकअप है, शॉकअप भी बहुत बढ़िया है, सस्पेंस भी इसका अच्छा है शॉकअप का। तो ये कुछ ऐसे मडगार्ड वगैरह आते हैं इसके साथ। ये पीछे का नंबर प्लेट है, यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। टायर भी ट्यूबलेस टायर है इसके। तो या हमने तो जानकारी ली है कि इसके टायर ट्यूबलेस है और इसकी डिक्की भी के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी ली है। डिस्प्ले भी हमने देखा इसका कैसा डिस्प्ले है, वैसा इसके दो मिरर आते हैं इसको इस तरह के। यहाँ पर उसका ब्रेक है, दोनों साइड से ब्रेक आते हैं। और पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रेक कटअप सिस्टम रहता है इसमें, जिसकी मोटर का करंट सप्लाई जो है मेन बंद हो जाता है और जब इसको छोड़ते हैं तो करंट सप्लाई चालू हो जाता है। ऑन ऑफ का ये, इधर किया तो ऑन हो गया, लेफ़्ट किया तो ऑन हो गया, राइट किया तो बंद हो गया ये, ठीक है। फिर और राइट करेंगे नीचे को तो ये लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी को लॉक करते हैं, जैसे कि ये जो नीचे वाला बटन है ये जो है लॉक का बटन है, और लॉक करने के बाद अगर आपकी गाड़ी के टायर को या फिर आपकी गाड़ी को कोई छेड़छाड़ करता है, जैसे कि आप समझिए कि अगर आपकी गाड़ी को कोई हिला रहा है, देखा गाड़ी को अगर कोई छुएगा या फिर गाड़ी को हिलाएगा तो इसका जो व्हील है वो व्हील पूरा जाम हो जाएगा और सायरन मारेगा गाड़ी, जो कि आप अनलॉक, जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करोगे तब तक ये सायरन बजता ही रहेगा। देखिए फिर से एक बार करके दिखाता हूँ मैं, ये कर दिया है लॉक गाड़ी और इसको आगे पीछे हिलाएंगे टायर को, तो टायर हो गया जाम। अगर फिर से कोई इसको छूने की कोशिश करेगी या फिर कोई उठा के ले जाने की कोशिश करेगी, धक्का मारेगा, तो ये क्या करता है देखो। देखा दूसरी बार अगर कोई इसको छूने की कोशिश करेगा तो ये सायरन लगातार बजता ही जाएगा जब तक आप अनलॉक नहीं करोगे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी ये खासियत है, तो इसको कर देते हैं चलो। अगर लॉक में भी आप अपने गाड़ी को चाबी लगाओगे और ऑन करोगे तब भी ये सायरन मारेगा, इसलिए आपको करना क्या है कि इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करके ही आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी और एक ख़ास बात है ये है कि अगर आप बिना चाबी लगाए भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये जो आपको पावर का जो बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे थंडर का, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये जो आप गाड़ी है चालू हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके व्हील घुमा के, देखिए आप देख पा रहे हो टायर, देखिए यहाँ पर मैंने चाबी भी नहीं लगाई है और ये बिना चाबी की भी आपके रिमोट के मदद से चालू हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से अब मैं इसको करूँगा लॉक, हो गया ये लॉक और आपकी गाड़ी तैयार। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर बहुत आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर इस गाड़ी के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे वो कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उसका पूरा डिटेल आपको समझा सकूँ। और अगर मेरे चैनल को आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वो बेल वाला बटन भी दबा दीजिए कि जिससे मेरे डेली अपडेट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी ही लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।